दोस्तों आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक 12 वोल्ट ऑटो कट ऑफ बैटरी चार्जर सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक 12 वोल्ट रिले और एक BC547 ट्रांजिस्टर। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन हम रिले के इस पिन के साथ ऐसे छोटा कर देंगे। अब हम लेंगे दो पीस 1N4007 डायोड। उसके बाद ये दो डायोड हम सीरीज लाइन में एक साथ ऐसे छोटा कर देंगे। उसके बाद इस डायोड का एनोड पिन हम इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पिन के साथ ऐसे छोटा कर देंगे। अब हम लेंगे एक 10K प्रीसेट और एक 100 ओम रजिस्टर। उसके बाद इस प्रीसेट के इस पिन को हम इस डायोड के कैथोड पिन के साथ ऐसे छोटा कर देंगे। उसके बाद इस 100 ओम रजिस्टर को हम इस प्रीसेट के मिडिल पिन के साथ और इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ ऐसे छोटा कर देंगे। अब हम लेंगे एक 10K रजिस्टर। उसके बाद इस रजिस्टर को हम इस प्रीसेट के इस पिन के साथ और इस रिले के ये दो पिन के साथ ऐसे छोटा कर देंगे। अब हम लेंगे दो पीस एलईडी बल्ब, एक रेड कलर का और एक ग्रीन कलर का और एक 1K रजिस्टर। उसके बाद ये दो एलईडी बल्ब का दो पॉजिटिव पिन्स हम रिले के ये दो पिन के साथ ऐसे छोटा कर देंगे। उसके बाद ये दो एलईडी बल्ब का दो नेगेटिव पिन्स हम एक साथ ऐसे छोटा कर देंगे। उसके बाद इस 1K रजिस्टर को हम प्रीसेट के इस पिन के साथ और इस पिन के साथ ऐसे छोटा कर देंगे। अब हम लेंगे एक 1N4007 डायोड। उसके बाद इस डायोड का एनोड पिन हम रिले के इस पिन के साथ ऐसे छोटा कर देंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं।